अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी क्या, ये जो कुछ भी है वो सच्चाई है, इससे मुंह मत मोड़िएगा। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को इससे बुरा भी लग सकता है और कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, लेकिन जो है वो सच है। अभी इस बात को सुनने के बाद भले आप लोग इस बात को न माने, लेकिन अकेले में इसको सोचिएगा कि क्या ये सच है। एक बार एक सेठ ने एक शोरूम खोला और एक बुजुर्ग को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। उद्घाटन के बाद जैसा कि होता है कि शोरूम के मालिक ने उन बुजुर्ग की बड़ी इज्जत की। बड़ी इज्जत अफजाई करने के बाद उनको बताया कि देखिए यहाँ पे 21,000 चीज़ें हैं इस शोरूम में बेचने के लिए, इसमें से आपको जो भी चाहिए जितनी चाहिए आप ले लीजिए। बुजुर्ग हंसे और बोले कि इनमें से एक भी चीज़ मुझे जीने के लिए ज़रूरी नहीं लगती। मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि इंसान इन सभी गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल करता कहाँ है। अब देखिए, एयर फ्रेशनर के बिना किसकी सांस रुक गई? फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं किया तो कौन काला हो गया? होम थिएटर लाकर कितने लोग कलाकार बन गए? कंडीशनर से किसके बाल मुलायम और काले हुए हैं? अरे जो डाइनिंग टेबल यूज करते हैं क्या उनके घुटने नहीं दुखते? थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर याद कीजिए कि हैंड वॉश के बिना आपके किस दादा के पेट में कीड़े हो गए थे। अगर हम डीओ मारकर निकलते हैं तो क्या लोग हमें सूंघने आते हैं? एक्चुअल में तो हम सभी इस प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं, वरना बगुला जो होता है वो शैम्पू से नहाता है क्या? मोर अपने रंगों को संवारने या बचाने के लिए कौन सा कंडीशनर या फेस वॉश इस्तेमाल करता है? कभी किसी बिल्ली को मोतियाबिंद होता देखा है? किसी खरगोश के बाल कभी गिरते हुए या सफ़ेद होते हुए देखे हैं? इन्हेलर या बाम के बिना भी कुत्ते के सूंघने की क्षमता उतनी ही तेज है। मधुमक्खी का शुगर लेवल बिना दवाई के भी कंट्रोल में ही है। अलार्म के बिना भी मुर्गा रोज उठकर बांग देता है। दरअसल इंसान पैसा खर्च करके दुखी होने की चीजें खुद ही खरीदता रहता है। नेट बंद तो दुखी, लाइट जाए तो दुखी, मोबाइल का चार्जर खराब तो दुखी, केबल टीवी कट जाए तो दुखी, मच्छर मारने की दवाई ना मिले तो दुखी, महिलाओं को मेकअप ना मिले तो दुखी, मैचिंग कपड़े नहीं मिले तो दुखी। आजकल इंसान 10 मिनट में 20 तरह से दुखी और परेशान रहता है। बाकी तो गुड़ की रोटी या प्याज रोटी खाकर, हाथों का तकिया बनाकर, पीपल के नीचे जो आराम से सो जाता है उसे दुखी करने के लिए तो फरिश्तों को नीचे आना पड़ता है। ये सब देखा देखी का खेल है। सच तो यह है कि सुखी रहने के लिए बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने में कि मैं कितना सुखी हूं, इसी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, दुखी होने के रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। अगर आपको ये सब सच लगता है तो लोगों को जागृत कीजिए और फिजूल खर्च से बचाइए। दोस्तों, खुद सुखी होने के लिए खर्च कीजिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा।